इनक्रेडिबल आर्ट। दोस्तों ये एक मिरल है, 3D मिरल। तो ये मैं बना रहा था, तो ये इसमें क्ले वर्क इसमें मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इसकी जो कलरिंग है वो स्टार्ट करने जा रहा था, तो सोचा आपके साथ जो इसकी कलरिंग है किस तरीके से करता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये देखिए ये मिरल है, क्ले से मार्बल डस्ट क्ले है उससे बना हुआ है पूरा। इसमें पे से मैंने प्लास्टिक पेंट यूज़ किया है, आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो और प्लास्टिक पेंट भी। इसमें ऑफ वाइट बेस यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसमें ये ऑफ वाइट है। तो इसमें कलर जो यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑयल कलर यूज़ करूँगा। तो मैं किस तरीके से कलरिंग यूज़ करता हूँ अपने इन म्यूरल में तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो ये बेस में मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है, एक्रेलिक हो गया और प्लास्टिक पेंट हो गया, उसमें ऑफ वाइट बेस और इसके ऊपर जो शेडिंग के लिए ऑयल कलर, आर्टिस्ट ऑयल कलर। अरे कुछ ब्रश है, ये राउंड ब्रश है, ये दो नंबर ये चार नंबर ब्रश। तो ये हो गया। अब ऑयल कलर को पतला करने के लिए मैं ये टच वुड यूज़ करूँगा, जिससे कि ये कलरिंग भी जल्दी सूख जाती है। और उसमें टच वुड में ये टर्पेंटाइन जो ऑयल है ये यूज़ करूँगा। टच वुड डाल लिया इसमें थोड़ा सा, फिर इसमें तारपिन जो ऑयल होता है हल्का सा वो डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं डालना। एक प्लेट लेंगे इस तरह की, कोई भी सीट ले लेंगे, इसमें हल्का सा येलो कलर निकाल देंगे इस तरीके से। ये जो हमने टच वुड जो पतला किया था उसको इस ऑयल में मिक्स करेंगे हल्का सा। क्या करना है इस तरीके से, ये हल्का सा ये किनारे पे इस तरीके से लगाना है। ठीक है, देखिए इसका सूखने का इंतजार करना है, साथ के साथ ही इस पर एक ड्राई ब्रश रखना है इस तरीके का, इसे थोड़ा चूड़ा रख सकते हो। ये हमारे पास है 5 नंबर का 6 नंबर, इस तरीके से रख सकते हो। ये 10 नंबर का यूज़ करेंगे इसमें। तो इस तरीके से इसको मिक्सिंग करेंगे हल्के हाथ से।
ये गणेश का मॉडर्न आर्ट फेस बना हुआ है, तो उसी में मैं कलर कर रहा था। ये ओम है हमारा, ये मॉडर्न लुक में है हमारे गणेश से। ब्रश को इस तरीके से फ्लैट रखना है और इसको इस तरीके से मिक्सिंग करनी है, या आपका कलर धीरे धीरे फैल जाएगा और मिक्सिंग हो जाएगी आपकी इस साइडों से। जो एक्स्ट्रा कलर लग जाता है उसे आप कपड़े से पोंछ सकते हो इस तरीके से। इसी तरीके से धीरे धीरे आपको ये सारा कवर करना होगा। अभी बिल्कुल हल्का सा कलर यूज़ करना होता है हमें जब भी लगाते हैं, ये हल्का सा इतना सा बस। एक इसी ब्रश को आप चारों तरफ घुमा सकते हो इस तरीके से, इसके अंदर इस तरीके से घुमा दोगे ब्रश को। अब यहाँ पे हमें छोटा ब्रश यूज करना पड़ेगा। ये हमारी लीफ है, ट्री की जो पत्तियां हैं वो। कलर को ज़्यादा नहीं फैलाना, हमेशा जितना आपने ब्रश रखा है उसको यहीं से रखने के बाद इतने में ही आपको इस तरीके से फैलाना होता है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए आपका ब्रश।
जैसे कि ये है, यहाँ से साइड से इस तरीके से फैला देंगे। आपको किसी भी आर्टवर्क में अगर आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी चीज़ में, तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। जैसे कि कभी कलर आपका ज़्यादा फैल जाता है ये ब्रश से, कभी कभी होता है कि ब्रश ज़्यादा फैल जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, कपड़े को इस तरीके से उंगली में फिंगर में लपेट के इस तरीके से कर सकते हो, एक्स्ट्रा कलर आपका सारा गायब हो जाएगा। जब भी आप ये टच वुड यूज़ करते हो हल्का सा लेना है, बिल्कुल इसको इस तरीके से मिक्स करना है, बस पतला करना है कलर को अपने। यहाँ पत्ती के साइड में आप ड्राई ब्रश भी चला सकते हो, यहाँ पे शेडिंग के लिए बस बहुत लाइट कलर चाहिए होता है इस तरीके से। ये हो गया आपका।
अगर आपके कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आपको किसी चीज़ में दिक्कत आती हो म्यूरल बनाने में, आप डायरेक्ट वॉल पे म्यूरल बनाना चाहते हो तो उसके बारे में पूछ सकते हो। ये देखिए इस तरह का लुक आ गया। अभी इसमें दो तीन शेडिंग और होगी, ये सिंगल कलर से नहीं चलेगा, अभी इसमें डार्क कलर की शेडिंग और आएगी। अब ये जो कट देख रहे हो आप, ये कट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि ये पीस काफ़ी लंबा है और ये मेरे को इंस्टॉल करना है ये हिंसार में, तो ले जाने में दिक्कत आ रही थी, तो इसी वजह से मैंने पीछे से कट कर दिया, ये बाद में फील हो जाएगा। इसको हम फील इसी मटेरियल से करेंगे जिस मटेरियल से हमने क्ले से बनाया है इसको। अब इसको मिक्सिंग कर देंगे ब्रश से, थोड़े हाथ स्पीड में चलाने पड़ते हैं क्योंकि इसमें हम टच वुड यूज कर रखा है तो कलर हमारा जल्दी ड्राई होता है, फैन वैसे चला रखा है मैंने। अभी कपड़ा लेंगे, साफ कपड़ा ले सकते हो आप कॉटन का, इसको ये इसकी लाइनें इस तरीके से साफ कर देंगे, ये देखिए बहुत आसान है, हमारा एक्स्ट्रा कलर ये सारा हट जाएगा इस पे से। धीरे धीरे ये मर्ज कर देंगे, जो हमारा स्पॉट दिख रहे हैं इसको मर्ज कर देंगे कलर को। अगर कलर आपका ड्राई हो जाता है तो सूखने छूटने में दिक्कत करता है तो आप तारपीन का ऑयल यूज़ कर सकते हो हल्का सा कपड़े में लगा के।
और अगर आपको ब्रश एक थोड़ा टाइट हो जाता है या चिपकने लगता है तो आप तारपिन ऑयल में इसे डुबो के कपड़े से साफ कर सकते हो, फिर आपका ब्रश सही चलेगा। इस तरीके से थोड़ा निकल गया।
जैसे छोटा छोटा हमारे डिटेलिंग वाला पार्ट है, इसको हम छोटे ब्रश राउंड ब्रश से करेंगे, ये इस तरीके से कलर लगा देंगे अंदर की साइड। इसको इस तरीके से मिक्सिंग कर देंगे। जो हमारा ये वाला पार्ट है लिप का, इसको भी हम कैसे इस तरीके से इसकी शेडिंग कर देंगे। ड्राई ब्रश से ही कर देना है इसको, हल्का हल्का से बस, यहाँ कलर लगाने की जरूरत नहीं है। ये हल्का हल्का सा इधर इतना टच करते रहेंगे, पत्ते के सेंटर पे हल्का सा टच करना है बस। फिर ब्रश से इस तरीके से मिक्सिंग कर देना है, इसको फैलाना है, ऐसे फैल जाएगा।
दोस्तों, जब कभी भी अगर तारपिन ऑयल कर यूज़ करके कपड़े से कभी भी यूज़ कर रहे हो कलर को रिमूव करने के लिए, तो बहुत लाइट हाथों से करना है, बहुत हल्के हाथों से। अगर थोड़ा सा प्रेशर भी डालोगे तो आपका कलर रिमूव हो सकता है, नीचे वाला जो बेस है हमारा, इस चीज़ का ध्यान रखना है, बहुत हल्के हाथों से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, ये बेस हमारा जो बेस के ऊपर हमारा ये लाइट कलर चलता है, ये हो गया। फिर इसके ऊपर एक डार्क टोन चलेगी, एक दो शेड और हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों या फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो मैं और ज़्यादा ऑनलाइन आऊँगा और आपकी हेल्प कर पाऊँगा, जिससे कि आपको और भी चीज़ों में मदद मिल सके, जैसे कि वॉल आर्ट, डायरेक्ट वॉल हम कैसे कर सकते हैं और प्लाईबोर्ड पे भी करके कैसे लगा सकते हैं, इस तरीके से आपको आइडियाज़ दे सकता हूँ मैं। क्योंकि अभी मेरे चैनल पे जो है सब्सक्राइब बहुत कम है सब्सक्राइबर, तो उनको मेरे को बढ़ाना है अभी, क्योंकि ऑनलाइन भी आता हूँ तो कुछ बहुत कम फ्रेंड्स आते हैं जो मेरे से कमेंट्स में कुछ पूछते हैं, पूछते भी नहीं हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लोग कुछ पूछते हो, क्वेश्चन हो कुछ भी आपके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ अपने ग्रुप या फेसबुक पे से शेयर करिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को, मेरे ग्रुप को, जो मेरा फेसबुक चैनल है इसको भी। आप लोग में से कोई अगर ऑर्डर पे भी इसे बनवाना चाहता है, जैसे कि वॉल आर्ट करवाना चाहता है, तो ऑर्डर पे भी हो जाएगा। अगर क्लासेस लेना चाहते हो जो पेड क्लास होती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर मेरे को आपको वीडियो में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। स्ट्रीप है, एक ही बट्स है जो हमने बनाई है, थोड़ी मॉडर्न बट्स है, क्योंकि हमारी जो थीम है पूरी मॉडर्न ही है, इसमें कोई भी ट्री जो लीफ वगैरह है सब कोई भी परफेक्ट नहीं है रियलिस्टिक से। इसमें जो फ्लावर हैं वो भी मॉडर्न टाइप के हैं। तो ये देखिए, अब जैसे कि इस पे हमारे बर्ड्स पे एक्स्ट्रा कलर लग गया है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे इस तरीके से। प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, क्योंकि अगर आप स्किप करके वीडियो देखते हो ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर कुछ भी वीडियो से सीखना होगा तो आपको पूरा फॉलो करना होगा वीडियो को।
थैंक यू गाइस फ्रेंड्स वाचिंग माय वीडियो। तो ये जो अधूरा रह गया थोड़ा बहुत पीस, तो ये मैं बाद में कंप्लीट करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ये इसमें कुछ हिंदू गॉड से रिलेटेड कुछ अटैच किया है, ये शुभ लाभ वगैरह अटैच किया है जो कि क्लाइंट को चाहिए था। देखिए कितना सुंदर आ रहा है। अभी इसमें एक और शेडिंग होगी तो इसके जो भी कमियां हैं सब छप जाएंगी और ज़्यादा निकल के आएगा ये। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑनलाइन आ जाऊंगा। ओके बाय।